ए दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं हूँ मनोज और आप सभी का स्वागत है भैया आज के बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल ब्लॉग में। देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है कछुआ, देख सकते हैं आप। ये मेरे को 4 साल पहले मिला था दोस्तों, और ये बारिश के टाइम पे बाहर निकलता है। तो हाँ, अभी इतना बड़ा हो चुका है, ये पूरा 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको, आज देख सकते हैं आप। अभी हम इसको क्लीन करेंगे, आपको दिखाएंगे अच्छे से। अभी इसका वेट काफ़ी आधा किलो का हो चुका है, पूरा शायद 1 किलो भी जा सकता है। तो हाँ, ये मस्त अभी भागेगा भी। अभी ये सो रखा है, तो आप बने रहना लास्ट तक, क्लीन करके आप लोग को दिखाते हैं इसको। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल सोया, मुंडी नहीं निकाल रहा अभी बाहर। जब इसको हम क्लीन करने के लिए जाएंगे ना, तब ये अपना मुंडी बाहर निकलेगा। आप लोग बने रहना लास्ट तक। और गाइस, ये मुझे मिला था 4 साल पहले, जबकि बहुत छोटा था ये। अभी इसका शायद देख सकते हैं आप, पूरा 1 किलो का हो चुका है। और आज हम इसको पूरा क्लीन करेंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो में कैसे क्लीन किया जाता है। और देखिए बिल्कुल अभी सोया है ये, इसका मुंडी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंदर छिपा के रखा है। तो हाँ, मज़ा आने वाला, आप लोग लास्ट तक बने रहना। और इसको घर में रखने से बहुत शुभ होता है दोस्तों, और मैंने ये बात को ऑब्जर्व किया। तो हाँ, ये बहुत बड़ा हो चुका अभी, देखिए गाइस, पूरी से भी ये दोस्ती कर लेगा लगता है। यहाँ पे हमने सुला दिया इसको, इधर ही क्लीन करेंगे अपन, देख सकते हैं अभी भी सो ही रखा है, चलने के मूड में नहीं है ये। थोड़ा हम आपको इसको चला के दिखाने वाले थे, बट ये सो रहा है पूरा। देखिए पूरा इसके सेल्स वगैरह पूरे गंदे हो रखे हैं। अभी इसको हम क्लीन करके आप लोग को दिखाएंगे, देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मर गया हो, बट ये अभी सो रखा है। और इसको कुछ नहीं होता, इसका सेल बहुत मजबूत रहता है। इसमें आप पत्थर भी मारोगे ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए नीचे तरफ से देखिए, इसके पंजे देखिए कितने बड़े हो चुके हैं अभी, ये चेक कीजिए, बहुत बड़े पंजे हो गए ये पीछे के। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसा लग रहा है अपना कछुआ, देख सकते हैं मुंडी बाहर ही नहीं निकल रहा, शायद आप लोगों से डर रहा है। तो ये अभी हम इसको क्लीन करेंगे, तो ये ब्रश के सहारे हम इसको क्लीन करते हैं, देख सकते हैं। पानी लेके आ, देखिए पूरा ये मिट्टी में खेलता है दोस्तों। इसको साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना है दोस्तों, जिस साबुन में स्मेल रहता है ना, तो इसको पसंद नहीं है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट पानी के सहारे इसको क्लीन करेंगे और ब्रश से, देख सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर में ये भागने लगेगा, बहुत तेज़ भागता है दोस्तों ये वाला कछुआ। अभी मुंडी बाहर नहीं निकल रही, चलो ऊपर तरफ तो हो गया जितना भी क्लीन होना था, और थोड़ा नीचे सेट कर देते हैं। देखिए ब्रश बहुत मजबूत है, दोनों साइड से अच्छे से क्लीन हो गया दोस्तों ये भी। अभी हम इसके साथ अच्छे से खेल सकते हैं। तो भैया क्लीनिंग तो हो गई कंप्लीट, और ये देखिए ये कैसा चमक रहा है, ये देखिए मुंडी बाहर नहीं निकल रहा यार, मुंडी बाहर निकाल के अगर चलता ना काफ़ी अच्छा लगता, देख सकते कितना बड़ा है भाई साहब। ये अपना दोस्त टिटल, देखिए गाइस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, ऐसे अलग अलग किस्म के ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त
अभी मैं इसको पत्थर में रख के देखता हूँ। ये देखिए भाई साहब, इसका सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाता हूँ मैं, 360 डिग्री से। ये मुंडी पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा अभी बाहर, अभी कैमरा देख के शायद इसको थोड़ा सा डर लग रहा है, देख सकते हैं। ऑल राइट, तो गाइस इसका क्लीनिंग वगैरह सब पूरा अच्छे से हो चुका है और देख सकते हैं आप अभी भी सोया ही हुआ है, पूरे ब्लॉग के अंदर ये सोया ही हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था ये कैसे कैसे भागता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। देखिए, देख सकते हैं आप बिल्कुल सोया हुआ है। और हाँ, ये बिल्कुल बारिश के सीज़न में ये बाहर निकलता है, बाकी टाइम ये पता नहीं किधर छिपके बैठा रहता है। दोस्तों ये पूरा 4 साल का हो चुका है और कम से कम 1 किलो वजन है इसका, देखिए कितना मज़ेदार है, देख सकते हैं आप। अभी चलेगा तो हम आपको दिखाएंगे इसका। ओके, तो गाइज चेक कीजिए, आराम अभी तक भी आराम में है, जब चलेगा आप लोग को दिखाऊंगा ज़रूर। देखिए दोस्तों, भूरी कैसे देख रही है, भूरी है ये डॉग्स का नाम दोस्तों, देख सकते हैं भाग गई, वो भी डर रही है इससे। इसके रखवाले में रख देता हूँ इसको मैं, आराम से खेलेंगे दोनों मस्त। ये देखिए गाइस कैसे तैर रहा है पानी में, देख सकते कितना मज़े ले रहा है। अभी थोड़ी देर में इसको हम कुएं के अंदर छोड़ने वाले हैं। ये देखिए गाइस, मुंडी बाहर निकाल दिया इसने, अरे अंदर कर देगा देखना। ये चेक कीजिए गाइस, अभी ये घूमने के मूड में है, देख सकते हैं आप कछुए की चाल, कितनी छोटी चाल है इसकी, देखिए प्यार से चल रहा है बिल्कुल आराम से, जेसीपी की तरह इसके पैर है। आई होप कि आपको अच्छे से एंजॉय करने को मिल रहा होगा ये ब्लॉग आपको, तो हाँ लाइक का बटन जरूर दबा देना और शेयर जरूर करना दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली लगता है क्योंकि इसको नहलाने वगैरह में बहुत टाइम गया था अपना। तो अभी देखिए आप कितने प्यारे से चल रही है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना।